नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गोरेला पिंडरा में चल रही हर घर नल जल योजना के तहत में नगर पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत, हर जगह पर इसका काम पिछले कई सालों से चल रहा, लेकिन अभी तक अधिकतर क्षेत्र में इससे पानी नसीब नहीं हुआ है। तो वहीं नगर पंचायत मरवाही के नगरवासियों ने जल जीवन मिशन कार्य में ठेकेदारों की मनमानी रवैये से परेशान होकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पास में गुणवत्ताहीन कार्य और एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं करते हुए लापरवाही करने की शिकायत कर जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। जल जीवन मिशन कार्य के दौरान मरवाही नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सीसी रोड और साथ ही सड़कों को पाइपलाइन बिछाने के लिए भी ठेकेदार की तरफ से बिना एनओसी के तोड़ा तो गया है, लेकिन उसकी समय अवधि रहते रिपेयरिंग नहीं कराई जाती है, जिससे आए दिन यातायात जो है वो बाधित होता है और साथ ही इस पर काफी तरीके के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। ठेकेदार द्वारा जो भी काम किया गया है, सबसे पहले तो नल जल हर घर जल योजना में सरकार की एक अच्छी योजना है, पर ठेकेदार द्वारा मनमानी किया गया है। पहले तो जो भी इनके द्वारा काम किया गया है, आज महीनों से काम चल रहा है। जो घर के जल मेन लाइन है, पाइप गड्ढे खन के इसको बाधित कर दिए हैं, इसको काट दिए हैं। हर घर त्योहार का समय भी है, हर लोग जल पानी के लिए परेशान हैं। इनके द्वारा किसी तरह का कोई जिम्मेदारी गैर काम किया गया ठेकेदार के द्वारा। क्या चाहते हैं आप लोग शासन प्रशासन से? शासन और प्रशासन दोनों ही इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, फिर भी क्या मांग रखते हैं शासन प्रशासन से? पानी तो जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य चीज है, पानी तो सबको आवश्यकता है। वही चीजें सुबह से नहीं मिल रहा है लोगों को, तब कितनी बड़ी जीवन में तकलीफ होती है। जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ऐसा ही अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा भी रखते हैं, जरूरत भी है, पर इनकी मनमानी कुछ भी नहीं। आज मैं यहाँ की जगह तो देख रहा हूँ, आज एक हफ्ता हो गया है यहाँ के सारे लोग, इधर पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं पानी के लिए। देखिए, नगर पंचायत मरवाही की जो पुरानी व्यवस्था, जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पानी का संकट नहीं था। हमारा नगर पंचायत में पूरी तरह से पानी जो है पर्याप्त मिल रहा था, लोगों में कोई शिकायत नहीं थी। परंतु जो पीएचई के द्वारा नल जल योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है यहाँ पर ठेका ग्राम पंचायत के समय से मिला हुआ है, उनके द्वारा जो खुदाई की जा रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस संबंध में हमें नगर पंचायत को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उनके द्वारा जो है जब खोदा जाता तो हमारी पाइपलाइन को तोड़ दिया जा रहा है। अभी 4-5 दिन से जो है एक शिकायत आ रही है, पुलिस थाना के पास जो है एक पाइपलाइन है जो कि वो बार बार टूट रही है, उसको जो है हमने सुधारने के लिए एसडीओ पीएचई को जो है लगातार 5 दिन से हम संपर्क में है। कल मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया है वीडियो बनाकर, परंतु अभी तक उनके द्वारा जो है सुधार नहीं किया गया है। और मैं चाहूंगा कि पीएचई इसको जो है जल्द से जल्द इसको सुधारे, पानी की किल्लत जो है दूर हो। ये मरवाही नगर पंचायत में है, पीएचई विभाग के द्वारा नल जल योजना का काम किया जा रहा है। पीएचई विभाग के द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता, ना उनके इंजीनियर आते हैं, ना उनका एसडीओ यहाँ पे आके काम देख रहे हैं कि आखिर किस हिसाब से चल रहा है। मरवाही नगर पंचायत एरिया है, घनी आबादी है। आप यहाँ देखेंगे कि मरवाही नगर पंचायत में जितने भी नल जल योजना के तहत जो भी गड्ढा खोदा गया है, कहीं पे स्टेट हाईवे के बगल में गड्ढा खोदा गया है, बैरिकेडिंग नहीं की गई है, कोई भी गाड़ी आए तो इस गड्ढे में घुस सकती है। यहाँ पे जो पाइपलाइन, जो पुरानी पाइपलाइन थी ग्राम पंचायत की, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आज एक हफ्ता से ये यहीं पे खोद रहे हैं, पाट रहे हैं, खोद रहे हैं और आज फिर खोद रहे हैं। महात्मा गांधी वार्ड और मंगल पांडे वार्ड, दोनों वार्ड में आज पिछले एक हफ्ता से पानी की सप्लाई नहीं होती है, तो परेशान करेगा। पीएचई विभाग का काम है कि जो दिशा निर्देश के अनुसार शासन के, कि उनको बनाना है, तत्काल पाइपलाइन को जोड़ना है, चालू करना है, ताकि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज पिछले एक हफ्ते से यही कर रहे हैं। आज इनको, इनके द्वारा जो काम करना था कि पाइपलाइन बिछाना है, उसमें रेत की फिलिंग करना है, पर ये रेत की फिलिंग नहीं करते हैं, ये सीधे लूज पाइप से फिलिंग कर देते हैं और वैसे ही इसको ढांक मूंद देते हैं। और आज
हफ्तों से यही काम कर रहा है। पूरे मरवाही में आप जहाँ भी देखेंगे कि पाइपलाइन के लिए गड्ढा तो खोद दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है और उसके ऊपर सीधे सीधे कंक्रीट को करके कहीं कहीं पे ढलाई कर रहा है। पूरी अव्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है, मनमानी के तहत पूरा भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। इसकी सही जांच होनी चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी SDM के मार्फत भेजा हुआ है, उसमें आप देखें कब तक कार्रवाई होती है। सरसीवा थाना क्षेत्र के पेंड्रावन बालपुर मोड़ के पास में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सरसीवा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रायपुर रेफर किया। बताया ये भी जा रहा है कि घायल युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था, जहां आरोपी भी मौजूद था। आरोपी ने पिकनिक स्थल पर मटन सब्जी को लेकर वाद विवाद किया था। इसके बाद घर वापसी के दौरान आरोपी ने कार को रुकवाकर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दिवाली के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही नया रायपुर के एकात्म पद पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच में विधि विधान से दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सीएम साय ने कहा कि यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है और दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है, जो कि राज्य के गौरव को बढ़ाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दीपोत्सव हम लोग मना ही रहे हैं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और आज 1 नवंबर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से नमन करते हैं। और उन्होंने जो विकास सोचा था कि छत्तीसगढ़ के निर्माण से यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति OBC सभी वर्ग किसान मजदूर महिला युवा सबका विकास हो, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे ताकि उनके सपने को हम लोग साकार कर पाए। और इस ऐतिहासिक क्षण में आज एकात्म पथ में 11,000 दिए जलाए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं और अच्छी आतिशबाजी भी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में सफाई कर्मियों के साथ दिवाली त्यौहार मनाया और उन्हें अपनी ओर से मिठाई और उपहार दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के बच्चों को बड़े अपनत्व और स्नेहिल भाव से दुलारा और उन्हें चॉकलेट प्रदान की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म पथ में 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम शामिल होने के लिए नवा रायपुर जा रहे थे और इसी बीच में CBD स्टेशन के पास सफाई कर्मियों को देखकर मुख्यमंत्री रुके और उनसे मुलाकात की और दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को भी अपनी ओर से मिठाई और उपहार दिए। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से उन्हें शासन की ओर से मिलने वाली मानदेय और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर पूरे जिले में दिवाली की तरह दीप जलाकर राज्य निर्माण की खुशियां मनाई गई हैं। इसी कड़ी में अरपा रिवर व्यू में 10,000 दीप जलाए गए हैं और कलेक्टर अवनीश शरण SP रजनेश सिंह भी इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के नाम पर दीप जलाया है।
और नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहरवासियों उत्साह एवं खुशी के साथ शामिल हुए। सभी ने स्थापना दिवस की खुशियां मनाई हैं और एक साथ में 10,000 दीपों की श्रृंखला से रिवर व्यू जगमग हो उठा और साथ ही नैनाभिराम दृश्य ने भी सबको आकर्षित किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर समेत आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस अवसर पर याद किया गया और साथ ही राज निर्माण की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई। जैसा कि आज के दिन ही हमारे देश में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। आज हमारा छत्तीसगढ़ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर की श्रेणी में आ चुका है और चूंकि हमारा प्रदेश है, हमर छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, तो आज के दिन आप सभी को मैं इस स्थापना दिवस पर ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में सफल हो और इस प्रदेश की प्रगति में, इस प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। हमारे प्रदेश के युवा, हमारे प्रदेश के नौजवान सभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपना अपने आप को सफल करें, अपने जिस क्षेत्र में वो हैं उस क्षेत्र में बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। इसी तरीके से हमारा जिस तरीके से प्रदेश तरक्की कर रहा है और अपना योगदान दें, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ राज्य 24 साल पूरा होने के साथ साथ 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इसके साथ साथ दो अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। आज का दिन ऐसा है कि हम लोग अपने राज्य की जो उपलब्धि है 24 साल की, हम उसको याद करें। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 24 साल में छत्तीसगढ़ विभिन्न सोपानों को प्राप्त करता हुआ प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा 1 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव, जिसके माध्यम से अलग अलग जिलों में और रायपुर में 3 दिन का राज्योत्सव होना है, 4, 5 और 6 नवंबर। अपने जिले में 5 नवंबर का आयोजन होना है जो पुलिस ग्राउंड में होगा। राज्योत्सव एक त्यौहार के रूप में मनाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि हम लोग सभी नागरिकगण अपने राज्य की उपलब्धियों को देखें, याद करें, स्मरण करें और आगे हम लोगों को किस प्रकार से अपने विकास की जो दिशा है उसको तय करना है। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं,
जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। मेहतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी। और मेहतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि मेहतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। मेहतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए मेहतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मेहतारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें मेहतारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपए मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्सुकता से कहा है सरकार को धन्यवाद। और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। कहें कि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। परिवर्तन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है, धन्यवाद। क्या नाम लिखे? अमला यादव बोरिया कला। हाँ 1000 बने लगा। क्या करते हो पैसे? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। परिवर्तन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। परिवर्तन योजना का पैसा मिल गया? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो पैसा? वो पैसा के खर्चा का थन घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। इसलिए जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे? हाँ। क्या नाम लिखते? ये है तारा भाई यादव बड़े बोरिया कला। 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन लेबो, खरीदबो, खाबो, हमार मन के लिए देवा ता हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाहते? धन्यवाद देना चाहते? धन्यवाद देंगे या का देंगे? क्या नाम लिखते? हम मोर हरेंद्री वर्मा बोरिया कला। परिवर्तन योजना के पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उनका? खर्चा पानी करता हूँ, साग सब्जी साबुन सोजा और बस और मंजन संजन खुश है। अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद देवा था ना मिला था हमारे मन कुसुम यादव बोरिया कला। परिवर्तन योजना के पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और पति के ऊपर निर्भर ना हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिलने? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी ढारिया धनेली। परिवर्तन योजना का पैसा मिलता है? मिलता है। उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। कैसा लग रहा है पैसा? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरिजा पुराने। परिवर्तन का पैसा मिल रहा है? हाँ 1000 मतारी उनका पैसा मिल रहा है। जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद के खर्चा कर लेते हैं। क्या नाम लिखते? राशन दहारिया ढालिनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते? हाँ सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा? अपने पति के सामने हाथ फैला रहे? नहीं नहीं नहीं। अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला? हाँ मिला थे, वो खर्चा वर्चा कर के लिए होते थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आते? हर महीना आते। हाँ भैया। क्या नाम लिखते? मीना साहू। कहाँ से?
धन हेली। सरकारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसे? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं। जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं और हाँ निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या चंद्र कलर डहरिया धनेली जी क्या करते हैं? घर खर्चा ने खेती किसानी का ही में सकेल के खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपए पर महीना? ज्यादा मिल जाए तो अच्छा लगती। धन्यवाद। अब बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार है तो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते? हेमलता रात्रे धलेनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलते? हाँ मिलते ना, खर्चा करथन अपन घर के। यदि कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है करथन, खर्चा मिलते दिन। हाँ धन्यवाद है ना मुख्यमंत्री को, पैसा हमार मन के बढ़ावा 2000 करा है। मोर गंगा लहरी सिवनी। हाँ 1000 घर खर्चा किराना सामान मंगा लेते हैं। हाँ चमेली शिवनी। हाँ 1000 वो पैसा ला खर्चा पानी करथन गे से भरा। अच्छा लगा थे धन्यवाद। और पैसा बने बढ़ावा 500 लग बढ़ा दे, ज्यादा नहीं थी। 1000 में गैस भरावा, 500 घर खर्चा कर। हमन हाँ शांति ढिल सिवनी। हाँ मिलता है 1000 मिलता है, खर्चा करते हैं भैया घर में। कई महीनों का गैस भरवा देते हैं, कई महीनों का बच्चे के पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है। जया टंडन ग्राम मुजगहान थाना मुजगहान। हाँ मिल रहे हैं 1000 घर खर्चा करते हैं भैया। ये पैसा मिलने की वजह से सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को, मोदी सरकार जी को। मायापाल सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हैं? पैसे का खर्चा करते हैं, घर खर्चा लेते हैं, साग भाजी दाल चावल जो भी बन सके ले लेते हैं। पैसा मिल रहा है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। क्या नाम लिखते हैं? दुलारी पाल। कौन सा नाम है? सिवनी। हाँ कितना मिलता है? 1000 घर खर्चा भैया। घर में गैस वैस भरा था, अपन जो भी लगते राशन वासन डाल देता। जो मिल रहा है माता जी मंदिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मिलते 1000 वो खर्चा उर्चा कर दे भैया। अब घर में का है राशन पानी सामान और कहीं कुछ इसने ले सिरवा दे पैसा ला बातचीत थोड़ी रही। धन्यवाद संतोषी रही। क्या नाम लिखते दीदी? दुकालीन। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना मिलता है? 1000। क्या नाम लिखते हो? लता। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ। कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हो पैसे का? फिलहाल बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।